हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आप लोगों के लिए एक अनदर वीडियो आई है और इसमें हम बात करने वाले हैं सिप्ला के बारे में, जो कि एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें से एक कंपनी है। गाइस, सिप्ला का आज अगर हम बात करें तो आज है 5th of February और आज सिप्ला के Q3 के रिजल्ट्स आए। गाइस, हम रिजल्ट्स की बात नहीं करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए। आज हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट जिस तरफ भी आते हैं, अगर हमारे टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है, अगर ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चलना होगा तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि इसकी ये किधर जाइफ इसकी डायरेक्शन मूवमेंट दिखाएगी। सो गाइज, हम डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों में इसकी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है, या ऊपर की तरफ बाय बनता है या नीचे की तरफ जाके शॉर्ट बनेगा। तो सारी एनालिसिस करेंगे, तो बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और जब रिजल्ट आ गया है तो आप उसे कंपेयर करके देख भी सकते हैं। जो हमने आपको चार्ट्स में बताया वो रिजल्ट के साथ कंपेयर कितना कर रहा है और कल मार्केट में हम देखेंगे कि सिप्ला में किस तरीके की मूवमेंट आती है। सो बढ़ते हैं गाइस चार्ट्स की तरफ और स्टडी करते हैं कि चार्ट्स में ऐसा हमें क्या शो कर रहा है। सो गाइस, ये मैं सिप्ला का चार्ट ओपन कर चुका हूँ और आप सिप्ला के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये सिप्ला का चार्ट है जो हमने डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने हाई से, आप देख सकते थे कितनी ज़्यादा इसमें डाउनफॉल आई है इसके हाई से, खुद से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डाउनफॉल आना इसकी शुरुआत हुई है, ये अराउंड जुलाई से आना स्टार्ट हुई थी अगर हम बात करें प्रीवियस 2019 ईयर की, और वहाँ से इतनी ज़्यादा डाउनफॉल आई है कि बहुत ज़्यादा ये गिर चुका था। गिरने के बाद अब इसने एक रिकवरी दी और रिकवरी देने के बाद अब आप देख रहे हैं एक रेंज में काम कर रहा है, जो आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा। तो अब हम एक एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और उसके बेसिस पे फिर हम जाके स्टडी करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है ये इसकी मूवमेंट कहाँ तक जा सकती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया था और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने एक सपोर्ट भी ड्रॉ कर दिया। जो ऊपर का रेजिस्टेंस है मैं इसे और थोड़ा कम कर देता हूँ जी गाइस। अब मैं इसे जूम करता हूँ गाइस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक पर्टिकुलरली अपसाइड आई। अपसाइड आने के बाद हम देखते हैं कि 4-5 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करा, एक और मूवमेंट आई और दोबारा नीचे आया, तो यहीं पर ही सपोर्ट लिया इस वाली कैंडल पे और एक दोबारा ऊपर की तरफ अपसाइड आ गई। अपसाइड में इसने यहाँ तक का हाई बनाया, दोबारा नीचे आया, शैडो उसके नीचे गई पर क्लोजिंग इसी के अंदर हुई, बॉक्स के अंदर। अगर हम बात करें तो ये एक चैनल है जो कि सपोर्ट, एक चैनल सपोर्ट है जो काम कर रहा है, तो इस चैनल के अंदर कहीं पर भी ये पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। सो यहाँ इसने सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर गया, चैनल अपर चैनल रेजिस्टेंस पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा और दोबारा नीचे आया। ऐसा इसने मल्टीपल टाइम्स करा और दोबारा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या देख रहे हैं गाइस, कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब ये नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद ये कम से कम 3 से 4 दिन हो गए हैं कि इनडिसाइसिव कैंडल दे रहा है। हम देख रहे हैं ये इनडिसाइसिव कैंडल देख रहा है और हमें इसका डायरेक्शन की मूवमेंट नहीं पता चल रही है, क्योंकि गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम एक बात सोच के चलते हैं तो हमें चार्ट में ये दो लगा के बस इतना पता चल रहा है कि यहाँ से जो इसकी एक मूवमेंट आ सकती है वो अब दोबारा अपने पुराने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ सकता है, जो कि ये लेवल है, जो कि 480 से 490 का लेवल है, जहाँ तक हमें लगता है कि ये चार्ट जा सकता है। सो अब हम बात करें कि अगर ये 440 की रेंज टूट जाती है, जो कि नीचे का लोअर लेवल है जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है इतने टाइम से, अगर वो रेंज टूट जाती है तो तब हमें क्या ट्रेड लेना है, और अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ देती है तो क्या टारगेट है और यहाँ तक इसकी जाने की कैपेसिटी है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं गाइस, अब आप देख सकते हैं कि ये चैनल के अंदर काम कर रहा है। अब आप लोगों के लिए ये गाइस, ये बाय कब बनता है, बाय अब आप देखिए ये चार कैंडल को ध्यान से फॉलो करिए, चार के अब ये 5 कैंडल को देखिए। इस पर्टिकुलर कैंडल ने देखिए इस ब्लू वाली रेंज के अंदर चैनल के अंदर ही क्लोजिंग दिया है, इस वाली कैंडल ने भी चैनल के अंदर क्लोजिंग दी है, इसने भी चैनल के अंदर दिया, इसने भी चैनल के अंदर दिया और इसने भी दिया, तो लगातार 5 कैंडल एक चैनल के अंदर ही बंद कर रही है। हम देखते हैं ऊपर जाता है, शैडो छोड़ता है चैनल के ऊपर और फॉल्स सिग्नल देखें नीचे आ जाता है, तो इससे हमारे लिए क्या बन रहा है, अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी लेकर चलनी है तो बाय हमें कब करना है, जब 450 के ऊपर ये क्लोज करता है तो हम बाय करेंगे, और हम शॉर्ट कब करेंगे, जब ये 440 के नीचे एक कैंडल क्लोज होती है, शैडो नहीं जब क्लोज होती है तभी हम अपना एक शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपको बता दिया कि बाय कब करना है, जब क्लोज हो पर्टिकुलर एक कैंडल एक ऊपर क्लोज हो, ना कि शैडो, ये विक नहीं होनी चाहिए ऊपर, एक
पूरी कैंडल ऊपर होनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि हाँ अब यहाँ से अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये कैंडल यहाँ पर भी क्लोज हो जाती है कोई बात नहीं, 450 हमें हम बाय बोले हैं, 455 पे क्लोज हो जाती है कोई बात नहीं, तब आप बाय करिए और आपका जो टारगेट है वो 480 का है, तो आप पेशेंस रख के इसमें एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, तब आपका टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 440 का जो कि इसके नीचे है। एक सिनेरियो जो था वो हमने आप लोगों को सिखा दिया। अब एक दूसरा सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि वही होता है कि 450 के ऊपर निकल जाता है और क्लोज हो जाता है और हम बाय पोजीशन बनाते हैं और ये यहाँ तक आ जाता है, तो अब क्या हो सकता है गाइस, तब हम देख सकते हैं कि गाइस ये एक फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बना रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ कैसे, तो आप देखिए ये देख सकते गाइस, ये एक फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न है, ये इसका पोल है, ये एक फ्लैग है, और आप देख सकते थे ये इसके ऊपर जाके अगर ये इसको क्रॉस कर देता है 480 490 के लेवल्स को, तो वहाँ से हम 40 पॉइंट तक की एक और मूवमेंट देख सकते हैं। हाँ गाइस, टोटल 80 पॉइंट भी आपको इस सिप्ला के अंदर मिल सकता है, क्योंकि गाइस आप देख रहे हैं कि ये जो बहुत गंदा वायरस फैला हुआ है, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसकी वजह से जो फार्मा सेक्टर्स हैं और जो फार्मा सेक्टर में हम देख रहे हैं जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं उनके जो प्राइसेस हैं, स्टॉक प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उन लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी मेडिसिन और जो वो क्योर की जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनसे उन लोगों को थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि फ़ायदा मिल रहा है। तो अगर हम तो यही चाहेंगे गाइस कि कोरोना जो वायरस है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो चाइना से अफ्रीका पहुंच चुका है, वहाँ से अब इंडिया भी आ रहा है, तो गाइस ये बहुत जगह फैल रहा है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। पर जब तक ये क्योर फाइंड होगा इन लोगों को, कंपनीज़ को, अगर हम फैक्ट की बात करते हैं, रियल फैक्ट, तो इन कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो गाइस अभी हम बात करें, क्योंकि क्योर अभी फाइंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सेल्स हैं, जो वायरस है, वो हमारे सेल्स में अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है प्रोटीन की, और वो इतनी टाइट लेयर बना रहा है, एक शील्ड बना रहा है, जिसकी वजह से उसका क्योर नहीं मिल पा रहा है। तो गाइज अगर ये थोड़ा टाइम लेता है और अगर थोड़ा और देरी से हमें वायरस का इसका क्योर मिलता है, तो गाइज ये कंपनीज़ के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है और ये कंपनीज और ऊपर जा सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से जो इसकी अब इस रेजिस्टेंस तक की जो रैली है वो है अराउंड 40 पॉइंट्स की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर ब्रेक करता है तो इसके टारगेट्स क्या हैं, तो टारगेट होता है ये जो पोल बचा हुआ है इतना, क्योंकि इस पोल से तो एक चैनल बनना शुरू हुआ है, तो ये जो पोल का डिफरेंस बचा है ये डिफरेंस इसका टारगेट होता है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस एक लेता हूँ तो ये डिफरेंस आया अराउंड 42 रुपीज़ का, तो यानी कि ये यहाँ से जो इसकी अपसाइड आएगी वो अराउंड आएगी इस लेवल तक, यानी कि अगर ये 450 के लेवल पे अगर आप बाय करते हैं तो प्रॉबेबली आपको एक चांस मिल सकता है कि वहाँ से वो 530 तक भी जा सकता है, यानी कि आपको 90 रुपये दे सकता है। और अगर हम 90 रुपये की बात करते हैं तो इस लेवल से 90 रुपये कितना होता है वो हम आपको बताते हैं, आपको परसेंटेज वाइज पता चल जाएगा। देखिए गाइस अगर ये आप अपर रेजिस्टेंस में जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपको 8.5 से 9% तक का तो फ़ायदा डायरेक्टली मिल रहा है, और स्टॉप लॉस आपका कितना है, स्टॉप लॉस आपका है 3% का, 3% का स्टॉप लॉस, 9% का टारगेट आपको मिनिमम टारगेट जो हम बता रहे हैं। सेकेंड टारगेट जो हम आपको बता रहे हैं वो गाइज है टारगेट अराउंड ये लेवल पे, जो कि 20% तक का टारगेट है, यानी कि सिप्ला आपको 20% तक का टारगेट भी देकर जा सकती है। और यानी कि आप अगर आप रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं गाइज कि रेशियो कितना प्रॉबेबली है, 1:6 का रेशियो, 1:7 तक का रेशियो हम आप लोगों को दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा रेशियो है और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं। हम बाय की बात कर रहे हैं क्योंकि डेली चार्ट पे हमें एक बाय का सिग्नल मिल रहा है। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट पे जाके देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये बना दिया था, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर के हमने बना रखे हैं ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, ये सपोर्ट का काम कर रहे थे, और यहाँ से हम एक रैली अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। ये एक डाउनफॉल आ रही थी, डाउनफॉल आने के बाद इसने एक अपसाइड दिखाई, अपसाइड में एक रेंज में चला गया, और अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो एक पॉजिटिव नोट में हम लेकर चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट की, और वीकली चार्ट पे ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है और क्या सजेस्ट कर रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए मैं ये जो ड्राइंग्स हैं उन्हें हटा देता हूं, क्योंकि ये मैं आप लोगों को सिखा चुका। अब गाइस हमें देखना है कि वीकली चार्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि डेली चार्ट में तो अभी मुझे पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो MACD है, MACD, वो भी एक तरीके से एक रिवर्सल दिखा रहा है, और RSI और MFI भी एक रिवर्सल दिखा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है सिप्ला के अंदर।
अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट के अंदर। तो वीकली चार्ट में गाइज मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करूंगा और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या बन रहा है। अगर आपने गाइज सुना होगा ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर, तो वो आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं यहां से गिरावट आई इस लेवल तक, ये लेवल आप देख रहे हैं, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि आप एक रेंज में चला गया, उसके बाद एक दोबारा गिरावट आई और एक दोबारा ये रेंज में जा रहा है। तो अब किस तरीके से ये ट्रेड होगा वो हम आपको बताते हैं। तो मैंने अब ऊपर से लेके नीचे तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया। जब ये मैंने ऊपर से लेके नीचे तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो एक बाउंस आया, वो बाउंस कहाँ तक आया, इस पूरी गिरावट का 50% इसने कवर करा, और 50% कवर करने के बाद हमने एक दोबारा डाउनफॉल देख ली। ठीक है, अब मैं इस पूरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को नहीं हटाऊंगा। तो आप ये जो डाउनफॉल देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट डाउनफॉल ये है, ये देखिए गाइस, एग्जैक्ट डाउनफॉल जितनी यहां पर आई थी एग्जैक्ट उतनी डाउनफॉल आई थी। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, एक बार आपको मैं स्केल का यूज करके दोबारा बता देता हूं, ये जो डाउनफॉल आया अगर हम इसको रुपए में मेजर करें, तो ये गिरावट कितनी तक की आई थी, ये गिरावट आई थी अराउंड 196 रुपीस की, 196 रुपीस की गिरावट आई थी अपने टॉप से लेके इस लेवल तक। ये देख सकते हैं ये गिरावट है। अभी इसी एग्जैक्ट गिरावट को अगर मैं इस पे नापूं कि ये यहां से लेके यहां तक कितनी गिरावट लेकर गया, तो ये बता रहा है, ये देख सकते हैं 195। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर ये एक गिरावट दिखाई और ऊपर गया तो दोबारा नीचे आए, तो ये ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न होता है। यानी कि ये ए बी और ये जो सी डी है ये इक्वल होते हैं, तो ये ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न बनता है। और यहां से फिर हम एक रिवर्सल देखते हैं, ये पैटर्न एक बियरिश पैटर्न की तरीके से बना है, तो यहां से हम एक रिवर्सल देखते हैं। अब गाइस क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जब हमने यहां पर फिबोनाची बनाया तो हमें पता चला कि ये जो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आया वो इसने 50% तक का गिरावट का कवर करा और दोबारा यहां से एक डाउनफॉल आ गई। अब यहां पर हम फिबोनाची बना रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि दोबारा है गाइस, ये तो ये 50% पे आ रहा है, 0.05 पे आ रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस फेस करता है जो कि 490 का लेवल है, जो कि आपको इस लेवल पे शो कर रहा था गाइस, ये लेवल है 490 रुपए का लेवल। यहाँ में देख रहे हैं कि ये इस पूरी गिरावट का 50% का रिट्रेसमेंट है, जहां पर हाईएस्ट हम एक सेलिंग देखते हैं, यहाँ पर हमें एक सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है कि अब ये हमें क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है कि अगर ये 438 का लेवल तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस में, तो वहां से जो मंदी आ सकती है, वहां से जो इस पे गिरावट आ सकती है, वो पर्टिकुलरली 390 तक भी लेकर जा सकती है और भी ज्यादा गिरावट करा सकती है, सिप्ला की अगर हम बात करें। बट अगर ये यहां से एक रिवर्सल दे देता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 512 से लेकर 530 तक भी इसकी जाने की कैपेसिटी है। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर हमारा एक टारगेट जो हम लेकर चल रहे हैं वो 480 से लेकर 490 का लेकर चल रहे हैं। तो वीकली चार्ट अभी बाय और शॉर्ट दोनों की हमें एक सिचुएशन बता रहा है कि अब आप कॉपी और पेन करके नोट कर लीजिए, 438 के नीचे क्लोजिंग मिलते ही हमें शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है, 450 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही हमें एक बाय पोजीशन में ले लेनी है। दोनों के स्टॉप लॉसेस और टारगेट हमने आपको बता दिए हैं, आप नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अब हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसी वीडियो को अब हम खत्म करते हैं, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। यही अपना डिटो सेम अपने खुद के चार्ट पे जाके भी आप बना सकते हैं कि आपको पता चल जाए फ्यूचर पे कि अगर इस लेवल पे है तो हम एक बार दोबारा बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको बार बार हमारी वीडियोज देख के आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए गाइज बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से होगा ये कि जैसी मेरी वीडियोस अपलोड होंगी वैसे ही आप लोगों को आपके यूट्यूब के सबसे टॉप पे दिख जाएगी हमारी वीडियो, या आपके मोबाइल पे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारे चैनल ने एक नई वीडियो अपलोड कर दी है, और आप जाके सबसे पहले देख सकते हैं। सो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।